ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अगस्त 17, 2023। बाप दादा मधुबन। श्री बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, मुख में मुलहरा डाल दो, मतलब बोलना नहीं। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। और तीसरी बात है, सच्चे दिल पर ही साहब राजी। तो बाबा कहते हैं तीन बात है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है, और सच्ची दिल रखनी है। कोई भी चीज होती है तो बाबा को बताना है। जितना बताएंगे, कोई गलती होती है तो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगी, बाबा की ताकत मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर्स चरित्र कौन सा है, किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर है, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। और कौन हर्षित रह सकता है? हर्षित मुक्ता का आधार है संतुष्टता। संतुष्टता नहीं होगी तो क्या होगा, डुप्लीकेट लगेगा सब कुछ, प्लास्टिक स्माइल जिसको कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट सदा रहना है, उसके आधार पर हर्षित मुक्ता ऑटोमेटिक आती है। देवता ये सदा हर्षित रहते हैं, खिल खिला कर हंसते नहीं। अब हंसना और हर्षित रहना बाबा फर्क दिखा रहे हैं। आवाज से हंसना भी एक विकार है, जोर से हंसना। तुम बच्चों को याद के गुप्त खुशी रहनी चाहिए, खुशी जरूर चाहिए, और खुशी होगी तो हर्षित मुख चेहरा रहेगा। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसान कारक है। नाम मान शान की जो बातें होती है तब कहते उसमें हमेशा नुकसान है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो, ये सब देवताई मैनर्स के साथ। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। एक तो गुप्त खुशी चाहिए, दूसरा फैमिलियरिटी का संस्कार नहीं चाहिए, अनासक्त रहना है सर्विस के अंदर, नाम रूप की बदबू से बचना है, बुद्धि बहुत ही स्वच्छ रखनी। ये पांच बातें से बाबा कहते हैं धारण करेंगे तो हर्षित मुख चेहरा रहेगा। हर्षित मुख के साथ साथ बाबा ने एक हिंट भी दे दी कि खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना क्या है, एक विकार, उससे बचना है। कि न वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, दिल मतलब बुद्धि। दिल कोई हृदय की या तो हार्ट की बात नहीं, लोग जो दिखाते हैं दुनिया में, क्योंकि आजकल तो हार्ट का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट बाहर टेबल पर रख देते हैं डॉक्टर्स, तो कहने का मतलब दिल, वो दिल की बात नहीं। दिल मतलब भावनाएं जहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ हमारा क्या चलता है आगे, जो विजुअलाइजेशन होता है, ये दिल की बात है, मतलब बुद्धि की बात है। तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है, दूसरी कोई बाहर की बात नहीं। जप साहब को, मतलब अंदर से, मुख से नहीं। जप का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है, खुद तो बनना है मगर खाली इतना स्वार्थी भी नहीं बनना है कि हमें मिले और हम दूसरों को न दें। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, कोई स्थूल चीज़ की बाबा बात नहीं करते, और आप समान बनाते रहो। किसको भी समझाना भी बड़ा समझ सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री शिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है। बाबा एग्जाम्पल देते तुरंत, वो क्या कहना चाहता।
वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना। कैसे याद करना चाहिए? बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया जो हम सबको क्या है, अनुभव है। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, और दूसरा एग्जाम्पल, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशुक माशुक जो होते हैं, विकार की बात नहीं, नाम रूप अवश्य सामने आ जाता है। आशिक माशुक को, माशुक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। इतना अट्रैक्शन होता है कि कहीं और बुद्धि नहीं जाती, मगर किसके अट्रैक्शन है? शरीर का अट्रैक्शन। फल धंधा दोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। बाबा कहते कैसे याद करना चाहिए बाबा को, बाबा उसकी युक्ति दिखाते, एग्जाम्पल देकर कि दुनिया में आशुक माशुक का प्यार देखो, एक दूसरे के सामने नहीं अपना काम करते हैं, तो भी सामने खड़ा या खड़ी हो जाती है आकर, और इतना मशगूल हो जाते काम करना भी कभी कभी भूल जाते। कहते हैं ना कि पास से कोई चला गया, पता नहीं चला इतना बड़ा आदमी गया, क्यों? कहीं खोए हुए से, बुद्धि से, मन से। तो बाबा एग्जाम्पल देकर समझाते बाबा की याद कैसी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बल धंधा दोरी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। अपवित्रता की कोई बात नहीं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है, इसलिए दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। माया गिराती, इसलिए अंगद का दृष्टांत एग्जाम्पल दिया है। रावण ने कहा देखे यह हिलता या नहीं, है ना? कितने रावण के बड़े बड़े जो सेनापति थे, बड़े बड़े जो योद्धे थे, वो सब ने ट्राई किया, जो बहुत ही बलवान थे, मगर किसी से वो पांव हिल न सका। जो तीखे तीखे महारथी, उनको ही माया पछाड़ती। यहाँ भी ऐसा है, थोड़ा भी नाम मान शान में गए, ज़्यादा दिखाओ में गए, बाबा कहते आज नहीं तो कल पछताना ही पड़ेगा, और यहाँ भोगेंगे तो वहाँ कम मिलेगा, 100% है, चाहे हम माने नहीं। यहाँ जितना मान सा नाम मान शान बिगाड़ लेंगे, उतना वहाँ कम मिलेगा। जैसा वैसा का ही बाबा कहते हिसाब किताब है। जैसे चूहा काटता है, इसलिए माया कैसे माया पछाड़ती है, दूसरा एग्जांपल, जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, जिसको कहते हैं एनेस्थेटिक इफेक्ट, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है, काटती रहती है, इतना रॉयल रूप में आती है कि पहचान नहीं सकते हैं। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं, तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। कौन? माया। थोड़ा सा भी गया तो बाबा को कहने की जरूरत नहीं है, माया ही क्या करेगी, बदला ले लेगी। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं ना, माया बेटी को मैं बेचता हूँ, बेटी बना देते बाबा। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टेस्टिंग माया कर लेती है, बाबा को कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा भी आगे पीछे हुए माया पछाड़ेगी। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए, मगर समझ में नहीं आता है, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए, बाप में पूरा पूरा लव चाहिए, अभ्यास भी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, खाली लव से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस चाहिए और लव भी चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है अनासक्त, कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है, आसक्ति रखेंगे तो माया आ सकती है, 100% है। इसलिए लौकिक गीता में भी यही वर्ड है कि परिपक्व अवस्था, अनासक्त अवस्था होगी, तभी वो आप कर्म योग सही तरीके से कर सकेंगे। पल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं ना। आजकल देखो ये हो रहा है दुनिया में भी कि में भी, इसलिए खबरदार रहना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, शरीर की वहाँ बात ही नहीं है, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते, स्वच्छ मतलब पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, पावन बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ,
तुमको शिव तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। योग नहीं लगाएंगे तो कनेक्ट कैसे होगे? वायर होगा सॉकेट में डालेंगे ही नहीं तो करंट कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक करंट? वैसे बाबा सुपर पावर हाउस है मगर हमारा कनेक्शन ही नहीं है उनके साथ। योग नहीं है, याद नहीं है तो कैसे पावर है? बाप कहते हैं निरंतर करना मासी का घर नहीं है। बाबा को भी पता है निरंतर कोई भी अंतर के बिना कंटिन्यूस। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना खुद का एग्जाम्पल देता है कि मेरे शरीर में शिव बाबा है तो मुझे नशा रहता है कि मैं बाबा को गिट्टी खिलाता हूँ, मगर जैसे ही तो एक दो टेस्ट आता है, एक दो गिट्टी खिला दिया खा लिया टेस्ट आता है बाबा का तो मैं भूल जाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा इतना पुरुषार्थ करता था वो भी भूल जाता तो हमारी तो बाबा कहते बात ही कहाँ। इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं तो भी भूल जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाए क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाए तो साथ में रहेगा, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूल जाती याद घड़ी घड़ी। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है ना। भक्ति मार्ग में भी माला करते थे राम राम कृष्ण कृष्ण, मगर जो काम बाकी होता था वो याद आ जाता था। अभी भी है ना बाबा का बढ़ने के बाद भी। बाबा कहते अभी भी इतना स्टेडियम नहीं हुआ वरना संपूर्ण बन जाते। यह तो है ज्ञान की बात, यह भक्ति की तो बात ही नहीं है। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते हैं, मतलब छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अभी तो कुछ ज्ञान नहीं बाबा कहते ज़्यादा, रेगड़ी पहनते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। युद्ध चलेगी तो कहाँ जाएंगे, त्रेता में युद्ध करते करते शरीर छोड़ दिया तो 100% त्रेता में चले जाएंगे। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। मनका ने मासी का घर नहीं है, मेहनत का काम है, मगर करोगे तो पाओगे। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, इसलिए बाबा ने कह दिया ना कि सच्चे दिल पर साहब राजी। कहने में लज्जा आती है, माया बड़ी दुस्तर है। एकदम माया एकदम माथा मुड़ लेने में देरी नहीं करती, कितना भी पुराना हो या नया हो, एक ही थप्पड़ मार देती है, गिरा देती है। ऐसे नहीं हम तो बच्चे है ही, बाबा कहते ऐसा भी नहीं, हम तो क्या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। हम बाबा के बच्चे तो हमें याद रहेगी ही नहीं, बाबा कहते ऐसे कहने से याद नहीं रहते, पुरुषार्थ करना पड़ता। युक्तियाँ भी बहुत बतलाई जाती है, हर मुरली में बाबा नई नई मेथड विधि दिखाते हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबर वन पथ। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं पाएंगे तब तक बाबा कहते हैं कि वो मिल नहीं सकती पोजीशन पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बाबा को भी पता है बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। 2500 साल चले गए द्वापर से, नीचे उतरते आए देह भान आया, शरीर ही दूसरा कुछ नहीं, आत्मा भूल गई कहाँ से आए और रास्ता भी भूल गए, बाबा को भी भूल गए, धीरे धीरे करके नीचे उतरे। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, इतना ज्ञान जरूर है। परमात्मा का ज्ञान नहीं है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना, इसलिए वहाँ कोई मृत्यु का डर नहीं है। पूरा का पूरा नॉलेज है आत्मा का है सिर्फ, ये 1/3 ही नॉलेज रहता है, 2/3 चला जाता है, और 1/3 घिसते 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 जैसे नीचे उतरते घिसता जाता है, साक्षात्कार भी हो जाता है अंत में।
कौन सा शरीर लेना है, प्रिंस बनेंगे या प्रिंसेस बनेंगे। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं, अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है, वहाँ पूरा ज्ञान है और डर नहीं है क्योंकि सब कुछ पता है यही बनने वाले। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा रह नहीं सकूंगा, यह भी होता है ना, जब फाइनल स्टेज आ जाती है तो लगने लगता है कि अब शरीर गया कि नहीं, आत्मा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहाँ जाना है, क्या मिलेगा, कुछ भी यहाँ पता नहीं, इसलिए आत्मा दुखी दुखी रहती है, डरती रहती है मौत से। वहाँ फिर समझते अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है, वो अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते, वहाँ दुख की बात ही नहीं है। अभी की कमाई पर बाबा ने बताया था ना कल, अभी की कमाई पर पूरा का पूरा हमारा फ्यूचर बनता है, वहाँ बाप से वर्षा नहीं मिलता, लौकिक यहाँ की कमाई के आधार पर वर्षा है। आत्मा का ज्ञान पूरा है ना, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं। अब कहते ड्रामा में ही नहीं है कि बाप का ज्ञान रहे या तो ड्रामा का ज्ञान रहे, कुछ भी नहीं है वहाँ। वहाँ बाप को क्यों याद करे, दरकार ही नहीं, वहाँ जरूरत ही नहीं है ना, सब भगवान भगवती है परमात्मा के समान। दुख का नाम निशान नहीं, दुख होगा तो याद करेंगे ना परमात्मा को। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। अब कभी क्यों नफरत आनी चाहिए, क्योंकि तो वैराग आएगा वरना नहीं आएगा। पल कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो लेकिन लौ मुझे भी तो सब काले हैं क्योंकि आत्मा काली है। तो शरीर कितना भी सुंदर यहाँ क्यों ना, मगर आत्मा तो पतित है, सबकी आत्मा पतित है ना। यह बुद्धि से समझने की बात है, शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, कहाँ कैसा होता है देखो बाबा इतनी उसका लॉजिक दिखाते हैं। यह तो हवा पानी पर होता है, जहाँ ठंडी जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं, गोरे नहीं सफ़ेद, वाइट पीपल जो बोलते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, इन शॉर्ट ये बात है। बाबा के बुद्धि का योग दूसरों से लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, बाबा तुरंत एग्जाम्पल देते हैं कैसे एक से लगाना है। यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है, फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता, ऐसी लव मैरिज है कि देह के साथ भी लव नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा अभिमानी बनते हैं, धीरे धीरे देह अभिमान छूट जाता है। अपने देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। सब कहते हैं खुद से ही नहीं तो औरों की तो बात ही छोड़ो। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है, दुनिया में तो क्या है शक्ल देख कर ही बाबा कहते होता है ना सब कुछ। कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। बाबा को सब कुछ पता है क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, शिव बाबा को इतना पता नहीं, मैं ब्रह्मा बाबा क्या करता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है मुरली के अंदर। फिर झगड़ा हो जाता है हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए ना, दुनिया में होता रहता है। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। आत्मा अभिमानी बनेंगे तो ही मोह छूटेगा, अटैचमेंट छूटेगा, जो गीता का लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक है ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तब तक मोह छूट नहीं सकता है, जितना हम अभ्यास करेंगे आत्मा हूँ खाली आत्मा नहीं, कैसी आत्मा, उनकी क्वालिटी के साथ, उसको ही कहते सेल्फ रिस्पेक्ट पॉइंट। हर एक दिन नई नई सेल्फ रिस्पेक्ट पॉइंट मुरली से उठाए और अभ्यास करें। यह तो विकारी संबंध है दुनिया में, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से, वो गोरे मुसाफिर कौन है, शिव बाबा है। जानते हो क्या जानते हो, इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है, एक भी बाबा कहते गोरी नहीं। यदि गोरी होती तो परमात्मा को आना ही नहीं पड़ता। गोरे में संबंध जोड़ आत्मा को गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है।
उनकी याद में रहेंगे तो एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, परमात्मा समान बन जाएंगे, मतलब देवी देवता या तो देवदूत बन जाएंगे। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। कैसे बनाना है? बाबा ने बता दिया याद से। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और बोनस में, और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और बोनस मिल जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया तो पद कैसे मिलेगा। यहाँ किसके नाम रूप में लटकना नहीं है, लटकेंगे तो अटकेंगे, चटकेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वह डिस सर्विस हो पड़ती है, इसलिए बाबा समझाते हैं, खबरदार रहो तो माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं। बाबा तो समझाते रहते मुरली में भी, या तो कोई ना कोई को निमित्त बनाकर उनके द्वारा बोल भी देते, मगर बाबा कहते समझते नहीं है, भावी छोड़ती नहीं। बाबा के क्या करें, बाबा इतना समझाए तो भी नहीं माने, तो बाबा कहते भावी ड्रामा की, अपना पद भ्रष्ट कर देते। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, यह है भट्टी। क्या है? भट्टी है किसकी? याद की, योग अग्नि की। भट्टी में क्या होता है? आग लगती है ना, और आग लगेगी, याद बढ़ेगी, ज्वालामुखी योग करेंगे तो ही बाबा कहते पाप कर्म विनाश होंगे। बाप के साथ योग लगाना है, और ये और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। किसी की भी याद आई तो बाबा कहते व्यभिचारी याद, इसलिए बाबा कहते अव्यभिचारी, मतलब एक की ही याद। सर्विस कर न सके बाद में, पद भी पा नहीं सकते। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी, योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, वरना ज्ञान भी बह जाएगा। धारणा नहीं होगी कितना भी सुनेंगे, क्योंकि याद नहीं है, याद के बिना धारणा हो नहीं सकती। शेरनी के दूध के लिए सोने का ही बर्तन चाहिए, लोखंड का, चांदी का नहीं चाहिए, वरना क्या होता है, वो टिक नहीं सकता, उसकी क्वालिटी पूरी की पूरी बदल जाती है। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, रूप योग बसंत ज्ञान। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी, रूप मतलब योगी बनते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे, उनके समान बनते जाएंगे, उतनी ही धारणा होगी। याद के बिना धारणा हो नहीं सकती, याद के बिना सेवा भी नहीं हो सकती। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग मतलब क्या? याद, दूसरा कुछ नहीं। बाबा वेरी सिंपल तरीके से बताते हैं, योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकते। पल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, नाम मान शान में बह जाते हैं, किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, तो माया क्या करती है? हैरान परेशान कर देती है, गिरा देती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं। देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं क्या? अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से। तमक तो एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र, कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितना कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबर वार बनते हैं, सीधा नहीं बन जाते। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबर वन है, यहाँ भी रात दिन सर्विस का होना रहता है। होना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा की सेवा करनी है उनकी,
और जितना यहाँ जवाबदारी का ताज पहनेंगे उतना वहाँ ताज मिलेगा। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक है, जो कुछ कहो तो जट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते। बाबा थोड़ा सा भी कहते थे, और कहते हैं मुरली में तो भी क्या होता है, बिगड़ पड़ते हैं, चले जाते हैं, वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते, ट्रेटर बन जाते, बाबा की निंदा कराते, भाग जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिससर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। भागवत की कथाएं जो है पूरी की पूरी यहाँ की संगम युग की कथा है, खाली दिखाया गया है श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है परमात्मा को। बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर नुकसान कर सकता है, ट्रेटर बन कच्चा हो गया तो क्या होगा, कभी भी निंदा करा सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होता है, और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या। यहाँ पहली बात है विष विकार को छोड़ने की, विष छोड़ते नहीं है। बाप कहते बहुत ही डिफिकल्ट है, गीता में भी बार बार है, काम विकार को जीतो, काम महाशत्रु है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं, अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन कौन अच्छे फूल हैं, कौन है जिनके नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर कोई बात नहीं है, योग भी पूरा चाहिए, कोई काले तो पहले से ही है और फिर और ही काले होते जाते, क्योंकि बाबा के ज्ञान में आए बराबर नहीं चले, भाग गए तो बाबा कहते 100 गुना दंड है, 100 गुना फायदा भी है। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। बाबा ना लश्कर देखो, सब कुछ एनिमल के रूप में बता दिया, हाथी शेर घोड़ा बकरा सब। चलन से जट मालूम पड़ जाता, यह तो जैसे रीढ़ मतलब भेड़ बकरी है, भेड़ कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप की बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो, तुम याद नहीं कर सकते हो। और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। देखो बाप एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें चेक करना है। कहते बाबा माया बुद्धि योग तोड़ा देती है, अरे वर्षा गंवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो, यही मेन रीजन है। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो और बाप को निरंतर याद करो, जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक याद नहीं टिकेगी। जपो नहीं आवाज नहीं करो, तुमको वाणी से परे जाना है, राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। सुना, मुख से बोला तो देह अभिमान, क्योंकि देह में आने की आदत है ना। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधा लेना है, मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर नॉलेज फुल, उनमें सारी नॉलेज तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। यहाँ जितना याद करेंगे बाबा कहते उतनी ही प्योरिटी आएगी, जितना ज्ञान में रहेंगे सृष्टि चक्र फिराएंगे उतना वेल्थ मिलेगी, ताज रतन जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिरताज बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे।
पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रखना और रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिला कर हंसना मतलब आवाज से हंसना भी एक विकार है। देखो बाबा की कितनी सूक्ष्म डेफिनेशन है विकार की। वह भी नहीं रहना चाहिए, खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वह आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं, ये कोई भाई बहन दादा कोई नहीं सुनाते, बाबा ही सुनाता है। हमारी कॉन्शियसनेस पूरी बदल देनी है, आत्मा समझकर बाबा के महावाक्य सुनने। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, कौन दादा भी कहते हैं महिमा सारी शिव बाबा की है, उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। और हम यहाँ बैठकर भी इस दुनिया में किसी और की महिमा करते हैं तो हमारा बुद्धि युग टूट जाता है। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं, वो भी नंबर वाह। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। युक्ति हमें रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, खास भोजन पर। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। अपनी देह से नहीं रखना तो दूसरे से क्या रखेंगे। दूसरी पॉइंट है बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना, बाबा कहते मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए ज्ञान और योग। आज का वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, सब कुछ हवाले कर दो, पूरे ट्रस्टी बन जाओ। संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले तो बादशाही अनुभव करेंगे, क्योंकि सब कुछ उनका, हम तो निमित्त बनकर सब कुछ कर रहे हैं। अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव तो राज तिलक मिलेगा। तो बाबा समझाते हैं आजकल की बादशाही या तो धनदान करने से मिलती है नेक्स्ट बर्थ में, या वोटों से मिलती है इस बर्थ में। लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी, किसको होगी, बाप को होगी ना, हमें नहीं होगी बाद में। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी के या मनमत को छिपा कर रखा हो, है ना, कोई अथॉरिटी में रखा हो या तो छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे बच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तब तक कोई भी बन नहीं सकता। स्लोगन है एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। सतगुरु बाबा है, हम है मास्टर सतगुरु, मगर कब, जब एक भी बोल व्यर्थ न जाए। अच्छा, ओम शांति।